अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जरूर सेब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट में और इन्हें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन जैसे हम एरेज में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स में भी हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी एक से ज़्यादा वैल्यू को कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो कार एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। अब कार की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? उसका नेम हो सकता है, उसका मॉडल है, उसका वेट है, उसका कलर है, ये उसके पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर उसकी मेथड्स की बात करें तो कार के मेथड्स क्या होंगे, कार की फंक्शनैलिटीज क्या होंगी कि कार स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ब्रेक यूज कर सकते हैं, तो ये इसके मेथड्स आ जाएंगे। अब अगर इनको समराइज करें तो हमारे पास जिस तरह कि ऑल कार्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि सब कार्स में प्रॉपर्टीज तो सेम ही हैं। जैसे कार, हर कार का नेम होगा, हर कार का एक मॉडल होगा, वेट होगा, कलर होगा, बट उनकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम कार टू कार, यानी कि कार से कार वेरी करती जाएंगी। जैसे जैसे कार के जो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होती जाएंगी। ऑल कार्स हैव द सेम मेथड्स। अब मेथड्स में अगर बात करें, जैसे हमने कहा कार स्टार्ट कर सकते हैं, कार स्टॉप, ड्राइव और ब्रेक, तो ये इसके मेथड्स हैं। बट जो मेथड्स हैं ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। इसकी एग्जांपल ये कि हमने एक वेरिएबल लिया है और उसको हम नेम देते हैं कार, और जो हमने ऑब्जेक्ट इसमें हमने डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का या डिक्लेयर करने का क्या वे है कि वेरिएबल और जो हमने नाम रखना है उस वेरिएबल का वो बता देंगे, इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, देन जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को, और फिर इनमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जिसको मैंने आईडी दे दी है डेमो की। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार, और इसमें मैंने कार की टाइप बता दी है और उसकी वैल्यू बता दी है। अब जब हमने नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करने का यह तरीका था, फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम कॉलन उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद कोमा, सेकेंड प्रॉपर्टी नेम कॉलन और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी, देन थर्ड प्रॉपर्टी नेम कॉलन और उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जितनी भी हम प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहें, मेथड्स को ऐड करना चाहें, वो हम इस वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने इस जो हमारे पास ये जो कार का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, इसको हम जो पैराग्राफ है उसमें राइट करवाएंगे कार की टाइप को, यानी कि हम पूछना चाह रहे हैं कि कार की टाइप क्या है। तो यहाँ पर कार डॉट टाइप, यानी कि वेरिएबल नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं, यहां पर उस कार की टाइप आ गई है। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो हमारे पास नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में के ऑब्जेक्ट्स में, वो कहलाती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि लास्ट एग्जांपल में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी वो कार नेम थी, मॉडल थी, वेट था और कलर था। इसी तरह अगर हम एक पर्सन की बात करें तो पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी एज और उसका आई कलर, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उनकी जो वैल्यूज होंगी। जैसे फर्स्ट नेम, यानी कि किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी, लास्ट नेम उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगी, एज की जो वैल्यू होगी वो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी, और आई कलर में जो हम कलर बताएंगे वो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज जो है इनको एक्सेस करने का कैसे क्या वे है, यानी कि हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उनको टू वेज से हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, और ऑब्जेक्ट नेम जो है उसके अलावा ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम। तो इन दोनों वेज से हम जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक्सेस करते हैं।
तो मैं यहाँ पे करवाती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कह देती हूँ कार डॉट मॉडल। तो मेरे पास जो मॉडल है कार का वो शो हो गया। इसी तरह इसका दूसरा भी ये है कि अगर हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास कार आ जाएगा डॉट, स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इसमें बताएंगे इन्वर्टेड कॉमास में इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं कलर को। तो मेरे पास ये कलर उसका वाइट आ गया। सो इस तरह हम दोनों वे से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एसेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन वे है कि आप कार यानी कि उसका जो वेरिएबल नेम है वो बताएंगे या ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो बताएंगे, डॉट के बाद उसकी प्रॉपर्टी का नेम बताएंगे। और दूसरा भी ये है कि कार ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम है वो आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में उसकी प्रॉपर्टी का नेम आ जाएगा। सो इस तरह हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास मेथड्स जो हैं वो एज अ फंक्शन ही होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में ये हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके उनमें मेथड्स भी होते हैं, और मेथड्स क्या हैं? एक्शंस हैं जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई जो मेथड्स है वो परफॉर्म कर सकता है या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। मेथड्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं फंक्शन डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और इनको कह सकते हैं मेथड इज अ फंक्शन स्टोर्ड एज अ प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेथड है वो एज अ इज अ फंक्शन है और वो स्टोर होगा एज अ प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल ये है, यहाँ पर जो हमारे पास फुल नेम है ये एक हमारे पास मेथड है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, और इसका जो एक्शन है वो ये है कि वो रिटर्न करवाएगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकेटिनेट करके, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम को कंकेटिनेट करेगा और उनको रिटर्न करवाएगा। तो ये हमारे पास फुल नेम जो है ये एक मेथड है। इस एग्जांपल में जो दिस कीवर्ड को यूज किया गया है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो दिस है वो रेफर करता है ओनर ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये पॉइंट करता है करंट फंक्शन को। जो हमारे पास दिस इज अ पर्सन ऑब्जेक्ट दैट ओन्स अ फुल नेम फंक्शन, दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स कि जो फर्स्ट नेम जो प्रॉपर्टी है वो इस ऑब्जेक्ट की है। इसी तरह दिस डॉट लास्ट नेम लिखा था तो इसका मतलब है कि जो लास्ट नेम प्रॉपर्टी है वो इस ऑब्जेक्ट की है और उनको कंकेटिनेट करवाना है। इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है वो पर्सन का, उसमें फर्स्ट नेम बता दिया है एक प्रॉपर्टी, लास्ट नेम एक प्रॉपर्टी उसकी बता दी है एक आईडी, और फुल नेम में उसका एक मेथड डिफाइन कर दिया है। जो फुल नेम मेथड है इसमें मैंने ये मेरे पास एक फंक्शन है जो रिटर्न करवाएगा इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकेटिनेट करेगा। कंकेटिनेट क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना, तो उनको कंकेटिनेट करके उसका जो रिजल्ट है वो राइट करवा देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पर्सन डॉट फुल नेम, यानी कि जो मैंने मेथड है उसको राइट करवाया है फुल नेम को। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तो उसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंकेटिनेट करके उसकी आउटपुट शो करवा दी है। सो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स हैं उनको एसेस करने का क्या तरीका है कि इसका भी जो सेंटेक्स है ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा डॉट मेथड नेम, मेथड नेम के बाद इसके इसमें जो जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट कि प्रॉपर्टीज में हम पेंथेसिस को यूज नहीं करते, लेकिन मेथड क्योंकि हम फंक्शन ही डिफाइन कर रहे थे सो इसलिए यहाँ पर हम इसकी पेरेंथेसिस को यूज करेंगे।
अगर हम इसको विदाउट पेरेंथेसिस जो है वो यूज़ करेंगे तो ये हमारे फंक्शन डेफिनेशन जो है एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। सो हमने अपनी एग्जांपल में जो जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया है तो पर्सन डॉट फुल नेम के बाद पेरेंथेसिस को यूज़ किया है। सो इस तरह हम अपने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं।